माय न्यू वीडियो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपना यूट्यूब चैनल पे अच्छे से काम कर रहे होंगे। तो भाई अभी सबसे बढ़िया 2024 का न्यू जो यहाँ पे टॉपिक आ गया है वीडियो वायरल करने का, वीडियो को ट्रेंड करने का। अभी यहाँ पे आप जहाँ भी देखेंगे सीधा आपको बॉयकॉट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा मालदीव, ठीक है। तो भाई पूरा मैटर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा भी चर्चा करूंगा। और आपको सबसे पहले बता दूं कि भाई अगर आपका यूट्यूब चैनल है ना तो जाके अभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आपका किसी भी कैटेगरी में अगर चैनल है तो जाके अभी आप बनाओ, ठीक है। और ये वीडियो अभी ये टॉपिक पे आपका अभी जो है पूरा वीडियो ट्रेंड चलने वाला, हर एक यूट्यूबर बना रहे हैं और अभी भी बना रहे हैं क्योंकि अभी भी बहुत समय बचा हुआ है भाई। और ये अभी मामला पूरा बहुत दिन तक चल सकता है और चलेगा भी क्योंकि मैटर छोटा नहीं बहुत बड़ा हो चुका है। तो भाई सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे मैटर क्या था, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो है लक्षद्वीप घूमने के लिए गए थे और यहाँ पे जो है अपना पोस्ट उन्होंने जो है ट्विटर पे शेयर किया, जैसा कि यहाँ पे आप मैं इंस्टाग्राम पोस्ट दिखा रहा हूँ, इन्होंने जो है इस तरह से शेयर किए हैं। तो इन्होंने जो है यहाँ पे शेयर किया और इन्होंने जो है ट्विटर पे एक ही चीज़ लिख दिए जिससे कि मालदीव को बहुत ही खराब लगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखे थे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है आप, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखे थे, ठीक है। उन्होंने लिखा था कि भारत में भी बहुत सारा जगह घूमने के लिए है, तो हम लोग भारत क्यों नहीं घूमते हैं और हम लोग यहाँ क्यों आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। और इसी में जो है किसी दूसरे जो है हमारा जो मालदीव है उसको आ गया गुस्सा, उन्होंने कहा कि भारत में है ही क्या, वहाँ तो गंदगी से भरा हुआ है। तो इसी यही जो है ट्वीट कर दिए वहाँ के जो है कुछ नेता, जो है वहाँ पे जो नेता होते हैं अगेंस्ट वाले नेता, वो जो है यहाँ पे पोस्ट कर दिए, ठीक है। और ये इन्हीं के वजह से जो है हमारे इंडियन के जो हमारे जो इंडियन लोग हैं यहाँ के जो नेता, इनको जो है बहुत बुरा लग गया, ठीक है। और इन्होंने जो है बॉयकॉट मालदीव कर दिया और ये सोशल मीडिया पे पूरा ट्रेंड हो गया। तो ये अभी बहुत बड़ा मामला चल रहा है और बहुत ही खराब मामला समझिए, और मालदीव के लिए तो बहुत ही घाटा की बात है, पूरा घाटा की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मानिए कि 80% लोग यहाँ से ही जाते हैं और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है इसी पे वहाँ पे टिका हुआ है पूरा मालदीव, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ही घूमने के लिए जाते हैं जितने भी कपल होते हैं या जो न्यू मेरी शादी होता है वो जाते हैं वहाँ पे कपल, वहाँ पे जो हनीमून के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। और बहुत बड़ा झटका उसको लगा है क्योंकि यहाँ पे जो बॉयकॉट यहाँ पे मालदीव हुआ है, इसके बाद क्या हुआ ना, वहाँ पे जो है 8000 जो होटल बुक थे वो सभी कैंसिल हो गए और फ्लाइट टिकट जितने भी थे सभी कैंसिल हो गए। तो उसके बाद उसको बहुत बड़ा झटका लगा जो कि मालदीव को बहुत बड़ा, वहाँ के जो सरकार थे जिन्होंने ये ट्वीट किया था जो भी नेता, उसको यहाँ पे सस्पेंड भी कर दिया गया है, उसको वहाँ से हटा भी दिया गया है। अब जो है माफ़ी मांगने के लिए तैयार है मालदीव हमारा। तो ये छोटा सा मैटर था, आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं और बहुत इसमें और सारी बातें हैं जो कि मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी मैं उतना समय आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि, ठीक है। तो अभी हम आपको बता दें, तो भाई आप लोग जाओ और इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ कि अभी जो बॉयकॉट चल रहा है मालदीव का, इस टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा आपका ट्रेंड कर सकता है शॉर्ट लॉन्ग, अब दोनों में से कोई भी। यहाँ पे आपको फुटेज चाहिए तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम या जो क्रोम है उस पे भी जाके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा ट्वीट अभी देखने को मिल जाएगा आपको, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक विजिट से पूरे देश की ट्रेवल प्लानिंग बदलने का घमंड है। देखिए पूरा एकदम जो है यहाँ पे अभी चल रहा है, पूरा मैप आप देख सकते हैं, पूरा डिपेंड है, हम समझिए 80% डिपेंड जो है इंडिया से ही रहता है लक्षद्वीप, सॉरी मालदीव। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है आपको देखने को मिलेगा, अभी पूरा ट्रेंड चल रहा है, तो बहुत लोग जो है अभी इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। और मैंने सोचा आपको एक सजेशन दे दूं ताकि आप लोग भी जो है इसके ऊपर वीडियो बनाए और वीडियो को ट्रेंड करें, ठीक है। तो भाई मैं अभी ज़रा समय नहीं लूँगा क्योंकि अभी हम लोग का एग्जाम का टाइम है, इसलिए जो है मैं ज़रा टाइम नहीं लेता हूँ।